नरबर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑपरेशन के बाद महिला मरीज को जमीन पर लेटाने का मामला सामने आया है। बता दें कि लगभग 109 महिलाएं नसबंदी ऑपरेशन कराने पहुंची थी। वहीं विभाग ने ऑपरेशन के बाद लगभग 2 दर्जन मरीजों को बेड दिए, जहां एक बेड पर 2 मरीज देख रहे हैं, बाकी महिलाओं को जमीन पर ही लेटा दिया गया है। वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर LD शर्मा ने घटना के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला सामने आया ही नहीं है। कहना गलत है, हमने लगभग 40 पलंग की व्यवस्था की है जिसमें हमारे 80 मरीजों का ऑपरेशन हो जाता है और नीचे लेटाना गलत है। नहीं तो यहाँ पे मरीजों को ऑपरेशन के बाद में तुरंत नीचे लेटाया है और एक बेड पे दो दो महिलाओं मरीजों को लेटाया। नहीं, दो दो महिलाएं तो हो सकती हैं क्योंकि पलंग पे दो दो महिलाएं तो आती हैं, लेकिन जमीन पे नहीं लेटाया है। नहीं तो जमीन पे लेटाया, यहाँ हमने खुद आके देखा। ये आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, मतलब हम गलत कह रहे हैं? हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं। पहली बात तो आप यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे ऑपरेशन हुआ। मैं बैठक में गया था, तलक्षा की समीक्षा बैठक थी। अच्छा, और यहाँ पे जो है 7:30 बजे तक शाम तक ऑपरेशन हुआ है, मरीजों को नाश्ता भी नहीं दिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मरीजों ऑपरेशन वाले मरीजों को कोई नाश्ता नहीं दिया जाता, खाली पेट ऑपरेशन किए जाते हैं क्योंकि उसमें वॉमिटिंग की समस्या रहती है। अच्छा, बहन का ऑपरेशन कराने आए थे, काहे का? बच्चों वाला। अच्छा, तो यहाँ कब किस टाइम आई थी यहाँ नरबर? 8 बजे। सुबह 8 बजे। नंबर कितना था आपका? 72वां नंबर। आपकी बहन का नाम क्या है? वर्षा। वर्षा, वो अभी ऑपरेशन कितने बजे हुआ है? अभी 36 शाम को 36 पे। और यहाँ पे ये जो नीचे लेटाल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, वो नीचे पड़ी है। नीचे पड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है। मगरौनी से आए। तो यहाँ पे नरवर अस्पताल में किस लिए आए हो? ऑपरेशन कराने के लिए। किस चीज का? नसबंदी। किसकी नसबंदी का? महिला का। अच्छा, आपकी पत्नी की नसबंदी का? हाँ। बच्चों की नसबंदी के लिए? हाँ। अच्छा, तो यहाँ कब से आयो? हम आए 9 बजे से। तो 9 बजे से अभी 6:30 बज रहे हैं, ऑपरेशन हो गया? अभी नहीं हुआ है। तो कितना नंबर है आपका? हमारा नंबर है 74 नंबर। अल्लाह, 74 नंबर पे आप 74वें पेशेंट हो? हाँ।